हमको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। पहले क्या हुआ, गुंडई होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, तरह तरह के पावर लगा करके हमको जो है शासक बनने से रोका गया। अब जो है ईवीएम आ गया, ईवीएम से जो है हमको वोट देने का अधिकार, आप वोट देते रहिए, क्या फर्क पड़ता है, उनको जहाँ जहाँ वोट जाना तो जाएगा। तो ईवीएम के माध्यम से जो है हमें शासक बनने का जो हमारा अधिकार है वो रोका जा रहा है, हमारे अधिकारों को जो है छीना जा रहा है। हमको जो है अपने दुश्मन को, सही दुश्मन को पहचानना। हमारा दुश्मन निरंतर प्रयास कर रहा है और तरह तरह का जो है समस्याएं खड़ी कर रहा है। हमारी ताकत से संबंधित है। दूसरा जो ईवीएम की बात आई है वो हमारे अधिकार से संबंधित है, जो हमारे शासक वर्ग बनने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, काफ़ी हमारे वक्तागण हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं, वो सब बताएंगे। तो अब ये दोनों चीज़ जो है, दोनों बातें जो है, हमारा जो शासक वर्ग है सीधे सीधे तो वो नहीं कुछ कर सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जो है हमारे अधिकारों को जो है छीना जा रहा है परोक्ष रूप से, और उसका असर भी जो है हमारे समाज पर आ रहा है कहीं ना कहीं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं 82 में जब मैं आया था मेडिकल प्रोफेशन में, मेडिकल स्टूडेंट एज ए ज्वाइन किया था मेडिकल कॉलेज में, तो यूपी में केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे गवर्नमेंट के, और एक मेडिकल कॉलेज केवल हुआ करता था प्राइवेट, संतोष मेडिकल कॉलेज। आज के तारीख में आप देख लीजिए, मतलब गिनती भी नहीं कर पाएंगे आप इतने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है ये हमारा, हमको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। सरकारी संस्थान में फीस कम थी, हमारे लोग आगे बढ़ रहे थे, हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे थे। हमारे शासक वर्ग ने, हमारे दुश्मन ने देखा कि ये तो सब आगे बढ़ रहे हैं, उसका तरीका इन्होंने निकाला, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलना शुरू कर दिया और उसकी फीस बढ़ाई। अब हमारे समाज में ऐसे कितने लोग हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर जितने भी हैं सब मेडिकल प्रोफेशन जुड़े हुए हैं, समाज के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ज़्यादा मैं नहीं समझता कि आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। आज मतलब जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कितने ऐसे लोग हमारे समाज के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। तो ये है हमारे समाज को आगे बढ़ने से रोकने का परोक्ष तरीका, सीधे सीधे तो नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से बात ईवीएम की आई, बाबा साहब ने कम्युनल अवार्ड के तहत हम लोगों को अधिकार दिया, दिलाया, उसमें जो है अधिकार ये भी था कि हमको वोट देने का अधिकार मिला। पहले हमारे समाज को, चूंकि हमारा समाज अनपढ़ था इसलिए वोट देने का अधिकार नहीं हुआ करता था, बाबा साहब ने काफ़ी मुश्किलों से, मुसीबतों से लड़ झगड़ के किसी तरह से कम्युनल अवार्ड ले आए और वोट देने का अधिकार दिलाया, और उससे जो है हमको वोट देने का अधिकार मिला, जिससे हमारा शासक बनने का रास्ता खुला। लेकिन दुश्मनों ने इस पर भी तरह तरह के जो है, पहले क्या हुआ, गुंडई होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, तरह तरह के पावर लगा करके हमको जो है शासक बनने से रोका गया। जब हमारा समाज के लोग थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा ताकतवर हुए, अब जो है ईवीएम आ गया, ईवीएम से जो है हमको वोट देने का अधिकार, आप वोट देते रहिए, क्या फर्क पड़ता है, उनको जहाँ जहाँ वोट जाना तो जाएगा। तो ईवीएम के माध्यम से जो है हमें शासक बनने का जो हमारा अधिकार है वो रोका जा रहा है, और अगर यही हाल रहा तो जो है हमको शासक बनने से बिल्कुल एकदम से रोक दिया जाएगा। तो इस पर हम सब जागरूक हों और समाज के उन हम निचले तबके को, जो गांव देहात में रहते हैं, उनको आज की जो ज़रूरत है उनको ज़्यादा ज़रूरत है जो है जागरूक करने की। अगर उनकी समझ में आ जाएगा तो निश्चित रूप से जो है ये क्या बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ होगा,
और उसका एक जीता जागता उदाहरण प्रत्यक्ष में बता सकता हूँ, मान्यवर कांशीराम साहब का आप उदाहरण ले सकते हैं। एक अकेले मान्यवर कांशीराम साहब ने शुरू किया जिसको हम सब ने देखा है। इसके पहले तो हमने नहीं देखा, बाबा साहब को हम नहीं देख पाए, ज्योतिबाराव फुले साहब को हम नहीं देख पाए, उसके पहले जितने भी आंदोलन हुए हम नहीं देख पाए, लेकिन उसका नतीजा आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं आंदोलन का नतीजा है, उन्हीं सक्रीफाइस का नतीजा है। पर मान्यवर साहब को हमने देखा है, और एक मान्यवर कांशीराम साहब जब शुरू किए तो एक ऐसा आंदोलन चला और हमारे उत्तर प्रदेश में सत्ता भी आ गई, सब कुछ हुआ, और आज जो है एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन करके उभरा है जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर बाबुल मेश्राम साहब आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत बाखूबी बढ़ा रहे हैं। हम सबको उनके दिशा निर्देश में पूरी ताकत के साथ और समाज को ले करके, अकेले कोई भी आंदोलन नहीं किया जा सकता है, जब ये भी है जिसने भी आंदोलन शुरू किया है समाज को साथ लेना पड़ा है, अकेले कभी भी जो है कोई आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। तो हम जब तक समाज को साथ नहीं लेंगे, समाज को अंदर जा कर के उसको पूरी बात नहीं बताएंगे, तब तक जो है हमारी सफलता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। तो इसके लिए हमें समाज के बीच जाना पड़ेगा और समाज के लोगों को पूरी बात बतानी पड़ेगी, तब भी जो है ये आंदोलन चल पाएगा। उसके लिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि हमारे पढ़े लिखे लोग ही इसको जो है दिशा दे सकते हैं। अगर पढ़े लिखे लोग ही भटक जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है समाज भी हमारा भटकता रहेगा। तो इसलिए हम सबको जो है सही दिशा, पहले तो सही दिशा देखना है, सही दिशा पर चलना है, और हमको बुद्धिजीवी बनना है, पढ़ा लिखा नहीं बनना है। पढ़ा लिखा लोग तो पढ़े लिखे लोग ही सबसे ज़्यादा भटके हुए जो मैं देख रहा हूँ। हमको बुद्धिजीवी बनना है, और बुद्धिजीवी की जो 5 क्राइटेरिया होती है अगर हम उसको फॉलो कर ले गए तो निश्चित रूप से जो है हम सही दिशा में चलेंगे और समाज को भी सही दिशा में ले जा पाएंगे। तो निश्चित रूप से हमको जो है अपने दुश्मन को, सही दुश्मन को पहचानना है। दुश्मन तो हमारा तरह तरह की समस्याएं खड़ी किया करता रहेगा। जो समस्याएं आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो भी दुश्मन के द्वारा ही तैयार की गई है, ताकि हम सब लोग इन समस्याओं को सब सुलझाने में उलझे रहें, और असली जो हमारा मकसद है, जो शासक वर्ग बनने का जो हमारा मकसद, जो हमारे पूर्वजों का जो मकसद था, जो आंदोलन जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने किया कि हमारा जो हम लोग शासक जमात बनकर खड़े हो जाएं, वो जो है उसको उलझाने के लिए हमारा दुश्मन निरंतर प्रयास कर रहा है और तरह तरह का जो है वो समस्याएं खड़ी कर रहा है, ताकि हमारा समाज और हम पढ़े लिखे लोग उसमें उलझे रहें। लेकिन हमें अपने पूर्वजों का कि जो निर्देश हुए हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमको जो है दिशा निर्देश दिया है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आज के 500 साल पहले महात्मा कबीरदास हुए थे, उन्होंने एक ही बात कहा था, एक ही साधे सब सत है। आप दुनिया में की समस्याओं को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे तो समस्याएं आती रहेंगी। उस समस्या का जो जड़ है, हम सब लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, अब आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जब मेडिकल जब शरीर में किसी तरह का बैक्टीरिया या वायरस घुसता है तो वो तरह तरह की समस्याएं पैदा करता है। तो हम समस्याओं को उस समस्याओं को सुलझाने के बजाय बैक्टीरिया को क्यों ना सीधे मार दिया जाए भाई। तो हमको जो है सही, जो हमारा सही दुश्मन है उसको हम पहचानें, और सीधे सीधे हम उस दुश्मन को अटैक करें, तो निश्चित रूप से जो है जब दुश्मन ही हमारा जो है अटैक नहीं रहेगा, दुश्मन ही हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, दुश्मन ख़त्म हो जाएगा, तो समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है आज के इसमें, हमारे और भी वक्ता हैं और समय भी कम है, तो हम सब जो है एकजुट होकर के मान्यवर बाबुल मेश्राम साहब के दिशा निर्देश पर जो है अब खुद भी आगे बढ़ें और समाज को भी साथ लेकर के आगे बढ़ें। बस यही मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, और इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।